बसंत पंचमी के पर्व को श्री पंचमी और वागेश्वरी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर माँ सरस्वती प्रकट हुई थी। बसंत पंचमी के दिन वाणी, ज्ञान, कला और शिक्षा की देवी माँ सरस्वती की पूजा विधि विधान के साथ की जाती है। साल 2024 में बसंत पंचमी 14 फरवरी 2024 दिन बुधवार को है। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा का मुहूर्त सुबह 7:01 से दोपहर 12:35 तक, कुल अवधि 5:35 की। बसंत पंचमी के दिन मध्याह्न का छड़ होगा दोपहर 12:35 पर। पंचमी तिथि का प्रारंभ होगा 13 फरवरी 2024 को दोपहर 2:41 पर और समाप्ति होगी 14 फरवरी को दोपहर 12:09 पर। पंचमी के दिन पीले वस्त्र क्यों पहने जाते हैं? माँ सरस्वती को समर्पित यह महत्वपूर्ण दिन भी बसंत की शुरुआत का प्रतीक है। पौराणिक ग्रंथों में पीले रंग को समृद्धि, ऊर्जा, प्रकाश और आशावाद का प्रतीक माना जाता है। इस पर्व के बाद बसंत ऋतु में फसलें पकने लगती हैं और पीले फूल खिलने लगते हैं। पीले रंग को हिंदू धर्म में शुभ माना जाता है। पीला रंग ऊर्जा और ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को पीले रंग के चावल, पीले लड्डू और केसर की खीर का भोग लगाया जाता है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि इस दिन लोग पीले कपड़े पहनकर माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। लोग इस दिन पीले वस्त्र धारण करते हैं, पीले रंग का भोजन बनाते हैं और अपने घर को पीले रंग के फूलों से सजाते हैं। यह रंग मन को मजबूत करता है, हमारे नर्वस सिस्टम पर असर डालता है, दिमाग में सेरोटोनिन हार्मोन निकालता है जो कि मूड और फीलिंग्स को अच्छा करता है। पीला रंग तनाव को दूर करता है, ये रंग आपका उत्साह बढ़ाता है, दिमाग को एक्टिव रखता है, खुशी महसूस कराता है। आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय श्री कृष्ण।